बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका आई एम मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट बैकअप मींस हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर विंडोज सर्वर बैकअप और तीन से तीन डिफरेंट तरीके का बैकअप अवेलेबल है uh, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल्स के आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटायर डेटा का बैकअप इंडिविजुअल सर्विस का बैकअप लाइक एक्टिव एक्टिव या जीपीओ या ऑब्जेक्ट या कंटेनर्स जो भी हैं इनका बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए हुए सो so, ये सभी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में आई बटन पे उसका लिंक है आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट टाइप्स के बैकअप ऑप्शन आपको मिलते हैं उनका यूसेज क्या है राइट right. सो so, अभी हम इस इस क्लास में बात करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन सेटअप द बैकअप आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल जो कल हमने डिस्कस किया था थेरेटिकल पार्ट में कि सिस्टम स्टेट बैकअप की रिस्पांसिबिलिटी होती है टू टेक द बैकअप ऑफ आवर एक्टिव एक्टिव सर्विसेज या बेयर मेटल बैकअप जो है वो पूरे कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फिगर करने का काम आता है या फुल बैकअप जिसमें जो कॉम्बिनेशन है आपके सिस्टम स्टेट और बेयर मेटल दोनों का तो आज हम इनका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं सो लेट्स मूव अवर सेल्फ टू द सेटअप सेटअप दिस इज दैट आई क्रिएटेड विंडोज सर्वर 2016 का इस्तेमाल किया है हमने एक्टिव डायरेक्टरी के लिए वही सेम एक्टिव डायरेक्टरी मशीन है जिसके uh, जिसके यूज करके हमने अभी प्रीवियस uh, कुछ प्रैक्टिकल कंप्लीट किए थे सो so, उसी डोमेन कंट्रोलर मशीन को हम यूज करने वाले हैं टू परफॉर्म द अनदर टास्क राइट So, चलिए स्टार्ट करते हैं बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको हंड्रेड परसेंट लाइव प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए चलिए ये अपने पास सर्वर मशीन है जिसमें ईडी की सर्विस को हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है लेट मी सो यू टूल्स पे जाएंगे और आप यहाँ पे एक्टिव एक्टिव यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन राइट यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे ये यूजर हो गया टेलनेट यूजर हो गया ग्लोबल यूजर हो गया क्लास यूजर हो गया है ना मल्टीपल यूजर्स हमने इस पर क्रिएट कर रखा है पहले से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में डेमो ओ यू डेमो ओ यू के अंदर ईडब्ल्यू एस एन टाटा नाम का यूजर भी अवेलेबल है तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं और ये सभी यूजर्स आपके एक्टिव एक्टिटी के डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं सो आर एजेंडा टू कॉन्फिगर बैकअप फॉर आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और बैकअप में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के बैकअप आपको देखने को मिलते हैं और उन बैकअप का एक्चुअल में रियल टाइम में यूसेज क्या है सो so सबसे पहले बैकअप के लिए किसी टूल का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे आप सिंपल सा एड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो रोल जो जो बैकअप विंडोज सर्वर बैकअप का जो ऑप्शन है वो आपको फीचर्स में मिलेगा रोल्स में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है जो बैकअप से रिलेटेड हो तो यू जस्ट नीड टू प्रोसीड फीचर्स पे गए अंडर द फीचर्स यू नीड टू फाइंड यू जस्ट नीड टू चेक मार्क विंडोज सर्वर बैकअप अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विंडोज सर्वर बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हम इसको चेक मार्क करेंगे चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल ठीक है इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस अभी हमारे सिस्टम पे हम अपना आ, आ, पहले ये आ, फीचर इंस्टॉल करते हैं और फीचर्स को इंस्टॉल करने के बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे जिसमें हम अपने पूरे इन्वामेंट का बैकअप कॉन्फिगर करेंगे दिस इज आर एजेंडा ठीक है सो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड अब आप आ जाइए टूल्स पे टूल्स पे सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विंडोज सर्वर बैकअप हमने सेलेक्ट किया विंडोज सर्वर बैकअप और इस बैकअप वाले ऑप्शन में आकर के देखेंगे ना तो इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल अभी कोई भी बैकअप क्रिएट नहीं किया गया क्योंकि जस्ट हमने भी इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट किया है बैकअप स्केड्यूल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसके थ्रू आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि हमें एवरी फ्राइडे बैकअप चाहिए एवरी सैटरडे बैकअप चाहिए या संडे का बैकअप चाहिए आप डेट डिसाइड कर सकते हैं बैकअप वंस में आप इंडिविजुअल बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एक बार केवल आप बैकअप तैयार करना चाहते हैं अपने इस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप वंस ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस मशीन का इस्तेमाल इस पूरे बैकअप सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं सो वट एम गोइंग टू डू बैकअप वंस पे क्योंकि हमें इमीडिएटली रिजल्ट देखना है तो बैकअप वंस पे क्लिक किया नेक्स्ट किया फुल सर्वर बैकअप दिखाई पड़ रहा है जिसके लिए आपके पास 14.38 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए अगर आप बैकअप कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो इस केस में आई वांटेड टू बैकअप ऑल माय सर्वर डेटा अप्लीकेशन एंड सिस्टम स्टेट जिसकी बैकअप साइज लगभग इतनी पड़ रही है आई वॉन्टेड टू प्रोसीड विथ कस्टम क्योंकि फुल सर्वर बैकअप में आपका सिस्टम स्टेट और बैर मेटल दोनों बैकअप आ जाता है इसलिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐड आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे बेयर मेटल का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिस्टम स्टेट का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है थेटिकल पार्ट की बात करें तो बेयर मेटल बैकअप का मतलब है कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप राइट जिसमें आपका डेटा ड्राइव इंक्लूड नहीं होगा रिकवरी ड्राइव इंक्लूड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा बेसिस ऑफ सर्विसेस ड्राइवर्स अप्लीकेशन जो भी आपके ओएस में रन कर रहा है वो सब बैकअप आप कॉन्फिगर कर पाते हैं बेयर मेटल से बट अगर हम सिस्टम स्टेट की बात करें तो सिस्टम स्टेट में आपका जो एडी का पार्ट है मीन्स एक्टी डाइक्टी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रुप पॉलिसीज हैं या अदर जो सर्विसेज हैं उनका बैकअप केवल होता है तो वट आई एम गोइंग टू डू सिस्टम स्टेट बैकअप क्रिएट करते हैं कुछ यूजर्स डिलीट करेंगे और री करके देखेंगे कि क्या वो यूजर्स हमारे फिर से रिकवर हो पा रहे हैं या नहीं तो चलिए इस केस में सिस्टम स्टेट के केस में क्या होता है कि आपकी मशीन रन करती रहेगी बट एडी काम नहीं करता तब सिस्टम स्टेट बैकअप का या री का ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम स्टेट सेलेक्ट किया ओके okay किया और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड दिस इज द पैनल जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आप अपना जो रिकवरी इमेज है जो बैकअप की इमेज है वो किस लोकेशन में रखना चाहते हैं लोकल ड्राइव में रखना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई शेयर्ड स्टोरेज है शेयर फोल्डर वगैरह आपने क्रिएट कर रखा है तो उसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं या आप कोई एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके बैकअप लेना है तो वो भी पॉसिबल है यू हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा जिस लोकेशन जिस पर आप अपना डेटा रखना चाहते हैं बैकअप का इमेज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो वट आई एम गोइंग टू डू इसी मशीन में ना एक पार्टीसन क्रिएट कर देते हैं बिकॉज आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ डिस्क का पार्टीसन वगैरह अवेलेबल है या नहीं सो ई ड्राइव वैसे यहाँ पे अवेलेबल है सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है और ई e ड्राइव अपने पास अवेलेबल है तो हम ई e ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं बट उसके पहले वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई के इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए ब्लैंक ही है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे शेयर नाम का फोल्डर था तो कोई दिक्कत नहीं ट्वेंटी फोर गेगी इनफ टू परफॉर्म द बैकअप चलिए आ जाइए अपने बैकअप वाले पार्ट पे बैकअप वंस पे जाएंगे डिफ्रेंस कस्टम पे जाएंगे नेक्स्ट पे जाएंगे एड आइटम पे जाएंगे और यहाँ पे अगेन सिस्टम स्टेट बैकअप सेलेक्ट किया हमने नेक्स्ट किया एंड नेक्स्ट अगेन रिमोट लोकेशन कोई भी फाइल फोल्डर शेयर में नहीं है तो लोकल ड्राइव्स इस्तेमाल करेंगे ई ड्राइव ट्वेंटी फोर पॉइंट समथिंग जी बी का स्पेस अवेलेबल है इनफ है नेक्स्ट किया और बैकअप बैकअप स्टार्टेड बैकअप वंस कर रहे हैं ताकि हम इमीडिएटली इसका रिजल्ट देख सकें कि जो बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं उसका हम रिजल्ट मींस इमीडिएटली देख लेंगे पहले बैकअप क्रिएट होने में आठ से दस मिनट का टाइम लगेगा आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो और उसके बाद जैसे ये बैकअप हमारा कंप्लीट होता है हम इसको रिस्टोर करेंगे बट इन बिटवीन बैकअप और रिस्टोर कुछ ऑब्जेक्ट कुछ सर्विसेज हम डिलीट करेंगे अपने रिलेटेड ताकि हम कर सकें कि हमारा जो बैकअप है वो सही तरीके से काम कर रहा है सो इट इज ट्राइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ बैकअप और उसके अकॉर्डिंग अभी ये आइडेंटिफाई करेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं जिनका बैकअप हम कॉन्फिगर कर रहे हैं राइट right? तो एक बार पूरा कंप्लीट बैकअप ले लेते हैं फिर मॉडिफाई करेंगे डिलीट करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स को और देन विल ट्राई टू टेक द बैकअप अगेन रिस्टोर करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि या डिलीटेड डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है या नहीं ठीक है लगभग ये तीन से चार जीबी के आसपास का डेटा होगा अप्रोक्सीमेटली तो इट्स इज ट्राइंग टू तो कैलकुलेट थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी बैकअप इज स्टार्टेड बट इट विल टेक टाइम लगभग इसमें अभी फोर्टी टू परसेंट हुआ है टोटल कैपेसिटी है बैकअप की सेवन पॉइंट फाइव वन साढ़े सात जी बी के आसपास का डेटा है सो डू वन थिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट अन अदर वीडियो अभी ये हमारा बैकअप का बैक वीडियो uh, हो गया और इसके बाद हम इसको री स्टोर करेंगे इन बिटवीन हम कुछ ऑब्जेक्ट्स uh, को डिलीट करेंगे एंड देन ट्राई टू री स्टोर इन नेक्स्ट सेसन सो so, इतना प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करिए फॉलो करते रहिए अपने इस प्लेस्ट को अगर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब चाहिए टिल अप्रैल तो डेफिनेटली आपको हर एक वीडियो बहुत ही ध्यान तरीके से देखनी है और जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है सो so, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम री की बात करेंगे हाउ टू कॉन्फिगर री स्टोर विद हेल्प ऑफ सिस्टम स्टेट डन गाइज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय